हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं वेजिटेबल फ्राइड राइस। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके बाद हम उसमें 1.5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब हमारा ऑयल अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, 1 TSP गार्लिक, 1 TSP और 2 ग्लोव्स। अब हम डालेंगे इसमें हमारे 1 कटा हुआ प्याज। इसको हमें 1 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं है। अब हमारा ये लगभग भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी 1 कटी हुई गाजर, बारीक कटी हुई गाजर। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच शिमला मिर्च, 1 चम्मच फ्रेंच बीन, हरा प्याज डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 TSP सॉल्ट, या आप स्वाद के अनुसार भी डालें। और हम इसको तेज़ गैस पर सौते करेंगे। ये हमें इसे हाई फ्लेम पर ही करना है, 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। सब्जी को हमें हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, 1 TSP विनेगर या सिरका। गैस हाई पे करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा मिक्स हर्ब ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इससे थोड़ा स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। अब हम ऐड करेंगे पके हुए चावल, अब हमने चावल और अपनी वेजिटेबल्स मिक्स कर दी हैं अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 TSP सॉल्ट और क्रश्ड ब्लैक पेपर, स्वाद के अनुसार डालें, आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डालें। मैंने लगभग 1 TSP डाला है। अब हम इसमें थोड़े से ग्रीन हरे प्याज है वो ऐड करेंगे। हरी प्याज गार्निशिंग लिए ऊपर से डाल देंगे। ये हमारा फ्राइड राइस बनकर तैयार है। आप भी बनाएं।